Welcome back to our YouTube channel, iAction Physio. Today, I, Dr. Martha Mangala, physiotherapist, will talk about some chair exercises. ये एक्सरसाइज स्पेशली उन लेडीज के लिए जिनको घुटनों में दर्द रहता है और इसकी वजह से कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, तो आप चेयर के ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी दर्द आता है तो आप उस एक्सरसाइज को ना करें और अपने फिजियो या फिजिशियन को मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज सेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज, डायनामिक क्वाड्स। आपको कुर्सी पे बैठ के अपने घुटने को सीधा करके पैर ऊपर लेकर आने हैं और पंजे को अपनी तरफ खींचना है और 1, 2, 3, 4, 5 गिनती करके उस एक्सरसाइज को 5 से 10 बारी रिपीट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज, बाइसिकल क्रंचेस। आपको कुर्सी पे बैठ के अपने घुटने को अपने अपोजिट कोने के साथ लेकर आना है। ये आपके बैली फैट को कम करने के लिए बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज, शोल्डर रोल्स। आपको कुर्सी पे बैठ के अपने कंधों को पूरे राउंड डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके शोल्डर की मोबिलिटी इंप्रूव होगी और आप इसको 10 से 20 बारी कर सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज, ट्रंक रोटेशन। आपको कुर्सी पे सीधा बैठ के अपने हाथों को कमर पे रखना है और साइड की ओर रोटेट करना है। इससे आपकी ट्रंक की रोटेशन फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बारी कर सकते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज, टो टच एक्सरसाइज। आपको अपने हाथों को सीधा ऊपर लेकर जाना है और फिर अपने टोज को टच करना है। इससे आपकी बैक को स्ट्रेचिंग मिलेगी और आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। अगर आपके कमर में दर्द है तो ये एक्सरसाइज ना करें। सो दिस वॉज आर वुमेन हेल्थ सीरीज पार्ट 2। आई होप कि आप ये सारी एक्सरसाइज अपने घर पे जरूर करेंगे और हेल्दी होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक अवर चैनल, डू शेयर एनी कमेंट इफ यू वॉन्ट टू शेयर एनी ऑफ योर व्यूज और क्वेरीज। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनी वन हू रियली नीड दीज एक्सरसाइजेस। थैंक यू सो मच।